मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मरेश्मी पांडे। खबर जालौन से। कोच में राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता का संदेश देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज सुबह क्षेत्रीय माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन एवं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कोच के रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जो भी काम करें वह केवल फोटो निकलवाने के लिए न करें, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। स्वच्छता अभियान का असर गांव गलियों और शहर में दिखना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा, नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, संजय लोहिया, नगर पालिका ईओ पवन किशोर मौर्य, सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन, सुनील कांत तिवारी, सभासद विक्रम तोमर, अशोक गुज्जर, जिला मंत्री अंजू अग्रवाल, लकी दुबे, जीवन बाबू, विकास पटेल आदि मौजूद रहे। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और पहले भी जब भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के होते थे तो 2 अक्टूबर को ये सारी सफाई अभियान का कार्यक्रम चलता था। उसी के तहत आज हम सब लोग कौन से स्टेशन पर यहाँ आए हैं। यहाँ अभी हमारे विधायक भी थे, हम भी थे, सब लोग नगर पालिका के चेयरमैन थे, नगर अध्यक्ष थे, मतलब जितनी पदाधिकारी थी सब लोगों ने सफाई करने का काम किया। यहाँ जो भी पड़ा था वो प्रयास किया कि साफ़ हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि देश के ऐसी प्रधानमंत्री वो स्वच्छता के अंतर्गत जो कार्यक्रम लिए हैं उन सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हम लोग पूरी निष्ठा के साथ करें और थोड़ा करें चाहे, लेकिन लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है, कुछ हासिल किया है, इससे ही सफाई हो सकती है। एक ज़माना वो था कि लोग अपने दरवाजे सफाई करते थे, अच्छा रखते थे बिल्कुल, लेकिन आज आदमी अगर कूड़ा मिले तो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के दरवाजे ज़्यादा मिलेगा। वो आशा करते हैं कि नगर पालिका के लोग आगे हमारे यहाँ सफाई करें और उनका काम है कूड़ा डालना, इसलिए हम उनको भी उनसे भी कहना चाहते हैं कि विशेष रूप से जो वातावरण पहले था कि अपना घर तो साफ रखना ही है, दरवाज़ा तो अपना साफ रखना ही है, अगर हर व्यक्ति अपना दरवाज़ा साफ कर रखेगा तो जो हमारी सफाई की व्यवस्था है सारी चीज़ें हैं। हम लोग जाने कितने यहाँ लेबर यहाँ नगर पालिका में काम करती है, सुपर होंगे करीब हम लोग थे। एक ज़माना वो था कि सुपरों को हम लोग तनख्वाह नहीं दे पाते थे, हम लोग परेशान रहते थे, विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाते थे। अरे मैं भी नगर पालिका में मेंबर रहा हूँ, हम लोगों ने देखा वो झाड़ू पंजा रख के बैठ जाते थे कि हम धरना दे रहा है, भाई तनख्वाही दो, सारी चीज़ें दो, नहीं दे पाते थे, इसलिए कोई आय के स्रोत नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता नहीं था, इसलिए कुछ नहीं। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता सब, वो करोड़ों रुपये मिल रहा, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है, तो ये सब करोड़ों रुपये का सदुपयोग हो, नगर साफ सुथरा रहे, ये हम कहना चाहते हैं। और कहीं कहीं हमारी अवस्था पड़े तो बताइए, हम लोग वो काम करने के लिए तैयार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।